Hi guys, welcome back to the channel. कुछ दिनों पहले मैंने एक ट्रांसपेरेंट वायरलेस माउस का रिव्यू किया था अपने चैनल पर, जिसको आप सबने बहुत ही पसंद करा था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और ट्रांसपेरेंट माउस, जिसको लॉन्च किया है पोर्ट्रोनिक्स ने, और इसका नाम है पोर्ट्रोनिक्स टोड 5। ये भी एक ट्रांसपेरेंट वायरलेस माउस है। सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का व्हाइट सा छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पर माउस बना हुआ है और यहाँ पर नीचे टोड लिखा हुआ है, टोड 5, और ऊपर पोर्ट्रोनिक्स की ब्रांडिंग है। साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं दोनों तरफ, और पीछे की तरफ भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको मिलता है एक इस तरह का माउस इस तरह के पाउच में, और साथ में आपको मिलता है एक USB A to USB C केबल एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन। ये सारी चीजें हैं बॉक्स के अंदर, और इसके अलावा एक वारंटी कार्ड भी आपको मिलता है, क्योंकि ये माउस आता है एक साल की वारंटी के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस माउस के डिजाइन की। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये एक वायरलेस चार्जिंग वाला माउस है, आप इसको अपने टाइप सी चार्जर से चार्ज कर सकते हो, सेल वगैरह कहीं भी नहीं पड़ता है इसके अंदर। तो सबसे पहला सवाल जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या हम इस तरह के माउस को चार्ज करते करते यूज कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। चार्ज करते करते भी आप अपने इस माउस को यूज कर सकते हो बड़े आसानी से, और एक बार चार्ज करने के बाद ये आपको लगभग 7 दिन का बैटरी बैकअप देता है। तो आप आराम से एक बार चार्ज करो और हफ्ते भर के लिए भूल जाओ। तो ये आता है फुली ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ, आप देख सकते हो। आपको अंदर कुछ छोटी छोटी ट्यूब जैसी दिख रही होंगी। इसको पेयर करने के लिए आपको इसके अंदर ही डोंगल मिल जाता है, ब्लूटूथ डोंगल। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप में, और उसके बाद ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसको आप दो डिवाइसेस से और कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, मतलब एक साथ ये 3 डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाएगा। और एक साथ 3 डिवाइसेस से कनेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक बटन दिख रहा होगा 2.4G वाला, इसको प्रेस कर करके आप डिवाइसेस के बीच में टॉगल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। नीचे की तरफ आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और ऊपर आपको एक बटन दिख रहा होगा, ये है DPI का। इसमें आपको अप टू 1600 तक DPI मिल जाती है, एडजस्टेबल DPI है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रॉल व्हील की बात करूं तो एकदम साइलेंट स्क्रॉल व्हील है, और यहां पर जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है इस माउस की, वो है इस माउस के बटन। आपको कीबोर्ड जैसे बटन देखने को मिल जाते हैं इस माउस के अंदर, जिनका क्लिक एकदम साइलेंट है, आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। मैं माइक के बराबर में आपको क्लिक सुना देता हूं, देखो अगर आपको आवाज आती है तो। बिल्कुल भी इनके क्लिक्स की आपको आवाज नहीं आएगी, बहुत साइलेंट क्लिक है, दिखने में बहुत कूल है। इसके अंदर जो RGB लाइट्स हैं वो हल्की हल्की मुझे ट्यूब्स की तरह दिख रही है, जो कि लिक्विड कूलिंग ट्यूब जो होती है PC के अंदर, कुछ कुछ उस तरह की लग रही है। और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो कनेक्टिविटी या लेटेंसी वगैरह आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये माउस गेमर्स वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि गेमिंग के लिए थोड़ा एक आपको एर्गोनॉमिक्स चाहिए होता है, जो कि आपके हाथ में अच्छे से बैठ जाए माउस। ये ऐसा नहीं है, ये एक फ्लैट टाइप का माउस है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो अगर आप इसमें अपने ऑफिस का काम करना चाहते हो, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना या फिर लैपटॉप के साथ यूज करना, ताकि आपकी डेस्क पे ये कूल लगे, तो मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड करूंगा आपको। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसको बाय किया था 999 रुपए में, बट अब आपको ये मिल जाएगा 800 से लेकर 850 तक की रेंज में। आपको ये माउस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर इसी तरह की और वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।